हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम दिखाने जा रहे हैं कि नाइट में ड्यूटी हम कैसे करते हैं। तो दोस्तों, देख लीजिए, ये है मेरा स्टेशन नाइट में। और दोस्तों, पॉइंट्समैन की जो हमारे यहाँ NER में ड्यूटी है, वो 3 शिफ्टों में होती है। 2 शिफ्ट नाइट में पड़ती है और 1 शिफ्ट दिन में। रात को 0 बजे से 1 शिफ्ट चालू होती है, सुबह 8 बजे तक रहती है। आज मैं उसी शिफ्ट में लगा हूँ। और दोस्तों, 8 बजे के बाद मैं दूसरी शिफ्ट स्टार्ट होती है दिन वाली, 8 से 4 बजे तक होती है। और 4 बजे दिन के 4 बजे उसके बाद में 12 बजे तक रहती है 4 बजे वाली शिफ्ट। तो दोस्तों देखिए, ये हमारे स्टेशन का नाइट व्यू। दोस्तों बेसिकली यहाँ पर स्टेशन पे स्टेशन मास्टर और एक पॉइंट्समैन ही ड्यूटी पर रहता है, और कभी कभी चौकी से आस पास में स्टेशन, बड़े स्टेशन पे चौकी है, वहाँ से RPF वाला कोई आ जाता है, वो भी रहता है। बेसिकली हम अपने स्टेशन पे 2 लोग रहते हैं, स्टेशन मास्टर और पॉइंट्समैन। सारा स्टेशन, रात में सारा स्टेशन हम ही 2 लोगों के जिम्मे आ जाता है। सिक्योरिटी के लिए RPF वाले आते हैं, रात में गश्त भी लगाया करते हैं। तो दोस्तों देखिए, रात में मेरा स्टेशन ऐसा है। और दोस्तों, हमारे स्टेशन पर ज़्यादा लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, इसलिए आपको अच्छी तरह से नहीं दिखाई दे रहा होगा। रोड साइड स्टेशन है। और दोस्तों, हमारा स्टेशन एकदम सुनसान रहता है, यहाँ पे कोई पैसेंजर नहीं आता है। पहले दोस्तों यहाँ पर पैसेंजर काफ़ी, सुबह शाम काफ़ी भीड़ रहती थी जब लोकल ट्रेन चलती थी, लेकिन अब लोकल ट्रेन चल नहीं रही हैं, इसीलिए यहाँ कोई पैसेंजर नहीं आता है। पिछले साल जब से लॉकडाउन हुआ है, तब से लोकल ट्रेन बंद है। हमारे यहाँ बेसिकली गोंडा पैसेंजर चलती थी, गोंडा पैसेंजर के नाम से, जो लखनऊ से चल के गोरखपुर तक जाती थी, लेकिन अब बंद है। और दोस्तों, अभी तो पैसेंजर चलने की कोई उम्मीद नहीं है। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे वीडियो में। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा ग्रुप डी वाले की नौकरी कैसी होती है। तो दोस्तों, आगे आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लाने का प्रयास कर रहे हैं।